नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले भारत में आया जबरदस्त भूकंप। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से। गुजरात में एक बार फिर से धरती कांप गई है। लगातार दोस्तों गुजरात के अंदर भी भूकंप की घटना देखने को मिली है। इस समय भूकंप की वजह से पृथ्वी पर उथल पुथल मच रही है। लगातार विनाशकारी भूकंप आ रहा है और अब दोस्तों तुर्की सीरिया के बाद में भारत के अंदर भी भूकंप आया है। यहाँ 3 की रफ्तार से भूकंप आया है। गुजरात के कच्छ में आज दोस्तों तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले भी दोस्तों यहां 30 जनवरी को 4.2 की रफ्तार से भूकंप आया था और अब दोस्तों फिर से भूकंप आया है, जिसके चलते घरों में लगे पंखे झूमर सभी हिलने लगे। रिपोर्ट में बताया कि इससे पहले जिले के खावड़ा गांव से 23 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में भूकंप का केंद्र सुबह 5:18 पर 3.2 की रफ्तार से आया था। बता दें कि कच्छ अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर है। कच्छ को भूकंप के जोन 5 में रखा है, यानी कि भूकंप आने पर कच्छ में बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। कच्छ बहुत ही उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। बता दें कि कच्छ के अंदर 2001 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, उस वक्त 13,800 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही 1.67 लाख के करीब लोग घायल हुए थे। इतना विनाशकारी भूकंप दोस्तों गुजरात के कच्छ में आ चुका है 2001 के अंदर और अब दोस्तों फिर से यहां भूकंप आया है। और अब यह भूकंप ऐसे समय में आया है जब दोस्तों विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है, क्योंकि सोमवार को तुर्की और सीरिया के अंदर 7.8 की रफ्तार से विनाशकारी भूकंप आया है, जिसमें अब तक 16,000 लोगों की मौत हो गई है, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और मृतकों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हर घंटे मृतकों की संख्या बढ़ रही है। WHO ने तो यह कहा है कि 32,000 लोग मारे जा सकते हैं, लाखों घर खत्म हो गए हैं। इतना विनाशकारी भूकंप इस समय तुर्की और सीरिया के अंदर देखा गया है। भारत ने दोस्तों अपनी सेना भेजी है, वहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी बीच गुजरात के अंदर भी भूकंप आया है, जिसके बाद दोस्तों लोग भी दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर उथल पुथल मच रही है, लगातार भूकंप आ रहा है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।